वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 जो कि सेवेंथ ऑफ अगस्त के जिसके अंदर हम देखेंगे क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स साइंस और उसके बाद हिंदी की वर्कशीट आइए चलते हैं मैथ्स के अंदर जो टॉपिक है वो है हमारा आज क्वारिक फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कॉर्डटिक इक्वेशन हम फैक्ट्राइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं

हमारे जो इक्वेशन जो फॉर्म है वो हमें पता है वो स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है जीरो नहीं हो सकता ये थोड़ा सा, आ, आपको रिकेप दे रहा हूं दो तो डिग्री जो होती है टू होती है तो मैक्सिमम रूट रूट्स का मतलब होता है सोल्यूशन सो so, जो मैक्सिमम सोल्यूशन है वो दो ही आ सकते हैं एक्स के तो हम इसके अंदर जो स्टेप वाइज है वो समझ लेते हैं कि स्टेप वाइज करना क्या है फॉर्मूला क्या है इसका तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है रूट्स का का मतलब x के आंसर देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्सक्वा दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट रूट थ्री एक्स होना चाहिए वहां पर टू रूट थ्री प्लस एक्स प्लस वन तो इसके अंदर आपका एक्स की जो वैल्यू है वो दो आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है तो एक हम फॉर्मूला लगाएंगे जब यहाँ पे बीच में हम लगा देते हैं माइनस ये वाला माइनस और दूसरी बार हमारा ये वाला प्लस तो फॉर्मूला बन जाता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए या फिर माइनस बी माइनस रूट बी स्क् माइनस फोर ए सीट को कहते हैं फॉर्मूला आइए चलते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनकी मदद से पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कैसे करना है उसके बाद जो इसके जो सॉल्व क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनको आप खुद ट्राई करें आइए चलते हैं सीधा इनके क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ जो पहला क्वेश्चन था वो था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो से छोटा हो सकता है क्या ऐसा नहीं हो सकता बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो या तो पॉजिटिव होती है या तो उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका आंसर हो गया फॉल्स इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है सी uh, C का मतलब होता है कॉन्स्टेंट फॉर्मूला क्या है ए एक्स स्क्त प्लस बी एक्स प्लस सी तो यहाँ पर जो c होता है वो आखिरी वाला नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता तो यहाँ पर कौन सा है माइनस सिक्सटीन तो यहाँ पे उन्होंने c पूछा था हमने माइनस सिक्सटीन उसका आंसर बता दिया थर्ड क्वेश्चन है उन्होंने बोला है कि वो जो एग्जाम्पल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करो तो यहां पर अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो टू एक्सक्वा तो यहाँ पे टू 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 कॉमन आ रहा है तो मैंने टू कॉमन ले लिया तो एक्सर प्लस अब ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम इसके अंदर एक लिस्ट डाउन कर देंगे चीजें ए बी और सी क्या है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए ए क्या होता है एक्स स्क्र के साथ वाला वन हो गया b क्या है x के साथ वाला जिसे हम कोफिशियंट भी बोलते हैं वन हो गया c क्या है वो अकेला ओके okay? c इज कॉन्स्टेंट अकेला नंबर माइनस सेवेंटी टू तो ये हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई अब हम देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा ये मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले निकाल लेते हैं देखिए मैं इसको दो स्टेप्स में करता मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला इकट्ठा नहीं करता उसके दो रीजन है पहली बात मेरे को इतना बड़ा फार्मूला देखते ही घबराहट नहीं होती दूसरी चीज जब मैं एग्जाम में इसको करता हूँ तो मुझे स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं सपोज मेरा बीस स्क्र माइनस फोर ए सी ठीक हो गया और आगे गलत हो गया तो मुझे यहां तक के मार्क्स मिल जाएंगे या मैंने सपोज करो यहीं पे गलती कर दी लेकिन फॉर्मूले के मुझे मार्क्स मिल जाएंगे तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें तो आसानी रहती है पूरा फॉर्मला लिखने की जगह पे बीस स्क्र माइनस फोर ए सी सॉल्व करा बीस स्क्वायर लिखा है तो वन स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है वन सी क्या है माइनस सेवेंटी टू तो इसी को हम आगे देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन आया आ, वो आया वन स्क्वायर वन स्क्वायर का वन और माइनस माइनस प्लस हो गया और सेवेंटी टू इंटू फोर टू एटी एट टू एटी नाइन अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो फॉर्मूला क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट रूट के अंदर क्या था बी स्क्वायर माइनस फोर तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को मैंने लिख दिया है डी ये बुक्स में डी लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट अब ऐसा क्यों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसका रीजन है क्योंकि ये आपको बताता है ये वैल्यू आपको बताती है कि आगे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेट करता है ये दोनों चीजों के बीच में हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है जीरो आती है तो हम आगे बढ़ेंगे अगर नेगेटिव आती है तो हम यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देते हैं इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप स्टेप बाय स्टेप करें तो अभी डी की वैल्यू क्या आई टू तो टू का मैं पहले रूट निकाल दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रूट चाहिए टू का जो रूट होता है वो होता है सेवनटीन और ये मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल दी अब इसके आगे अब फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसका मतलब तो दो बार होगा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा सॉल्व इसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करी है माइनस बी बी की वैल्यू हमने देखी थी ऊपर बी की वैल्यू थी वन तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी वन रूट सेवन रूट डी की वैल्यू थी सेवनटीन और ए की वैल्यू थी वन तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है और मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दूंगा यहां पर मेरी वैल्यू आ गई सिक्सटीन टू और माइनस एटीन अपॉइंट टू ये आ गया, 8, ये आ गया 9. अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें प्लीज वर्कशीट में जाके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एज यहाँ पे माइनस नाइन क्या है नेगेटिव इंटीजर है तो हम लिख देंगे एज माइनस नाइन इज पॉजिटिव इंटीजर देफोर एट एंड नाइन आर द

पहले यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग है तो मैं पहले उनका एल्शियम ले लेता हूं अगर दो नंबर का डिनोमिनेटर मतलब ऐसे जिनका LCM नहीं ले सकता देखो एक्स प्लस कैसे लेंगे उसी तरीके से मैं अगर पूछूं एंड एंड होता 2 3, तो उसका एल्शियम भी क्या होता है नहीं ले सकते मतलब उसके बीच में कुछ कॉमन नहीं, नहीं है तो टू इंटू थ्री सिक्स हो गया उसी तरीके से एल्सियम ऑफ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहां मैंने मल्टीप्लाई करा ये नंबर इधर चला गया और ये नंबर इधर तो यहाँ देखे ये मल्टीप्लाई हो गया x माइनस वन और x माइनस टू और x माइनस थ्री एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हुआ ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल नहीं आती तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से एक बार इसको समझ गए यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई जो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखी थी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब मैंने इसको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है अब हम इसको सॉल्व कर देंगे ये हमारा यहां पर आ चुका है सॉल्यूशन ये इसको सॉल्व करने के बाद फाइव एक्स हमारी एक्स प्लस ट्वेंटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मैं सी क्या है 5, B क्या है minus 24, C क्या ट्वेंटी अब ये मैंने D, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है बी स्क्र माइनस फोर ए सी मैंने इसके अंदर इसको पुट कर दिया इसकी जो वैल्यू आई वन सेवेंटी सिक्स आई अब वन सेवेंटी सिक्स का अगर मैं रूट निकालू अब निकालना तो पॉसिबल नहीं था तो इसको मैं क्या प्राइम करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा आइए देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है 176 का प्राइम टू और टू कॉमन आया कॉमन आया 11 अकेला रह गया घर के अंदर सो so, हमारा रूट डी हो गया तो चिंता ना करें रूट में आ सकता है माइनस में नहीं आना चाहिए है तो अभी भी पॉजिटिव तो हम आगे बढ़ेंगे तो इसके रियल रूट्स हैं तो यहाँ पे माइनस डी प्लस रूट डी अपॉन टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू हमने वैल्यू पुट करी रूट डी की वैल्यू है four, root 11, और बी की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी माइनस ट्वेंटी फोर तो माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू थी फाइव टेन तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यूज हमने सब्सिट्यूट कर दी यहां पर आपका आंसर आ जाएगा रूट में अच्छा यहाँ पर हमने क्या करा 24 और 4 था दोनों में 2 कॉमन था तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे 10 से डिवाइड करा है इसलिए 5 आया तो ध्यान रखे कॉमन अगर आ रहा है तो उसको लेना है तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा था जो मोनिका की एज है सॉरी uh, रुचि की जो एज है वो मोनिका से डबल है तो जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं हम उसको एक्स लेते हैं जैसे मैं बोलू मेरी एज आपसे डबल है तो मेरी मैं, मैंने आपसे कंपेयर करा है तो आपकी एज को मैं एक्स लूंगा क्या समझ में आए बात अगर मैं बोलू आपके पास राम से तीन गुना पैसे हैं तो आपने किससे कंपेयर करा राम से कंपेयर करा तो राम के पास हम कितने ले लेंगे एक्स ले लेंगे तो उसी तरीके से लेट द एज ऑफ मोनिका बी एक्स हमने ले ली रुचि की एज ट एक्स हो गई अब क्वेश्चन ने बोला था चार साल बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर में लिखा है years, अगर उन दोनों की एज को करूं तो 160 मिलेगा बहुत ही सिंपल है अगर आज आपकी एज सपोज करो 12 साल 15 साल है 12 साल ले लेते हैं चार साल बाद प्लस कर रहे हो ना क्या कर प्लस कर रहे हो प्लस फोर बारह प्लस चार सोलह और अगर आपकी पंद्रह है तो पंद्रह प्लस चार उन्नीस तो अगर आपकी एज मुझे नहीं पता x है तो क्या हो जाएगी x प्लस चार अगर मुझे रुचि की एज भी नहीं पता जो कि है 2x आज तो 2x एक्स प्लस चार अब मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 160 अब इसको मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई यह मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा है आप देखें पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है अच्छे से मैंने एक अलग वीडियो में बना रखा है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो वरना ये रहा आंसर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू 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 कॉमन आ रहा है तो मैं फिर दोबारा इसको टू कॉमन ले लूंगा ये मैंने यहाँ पर टू कॉमन ले लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क् प्लस सिक्स एक्स एक माइनस सेवेंटी टू अब वही मैंने ए बी सी यहाँ पे निकाला पहले डी निकाला थ्री ट्वेंटी फोर निकला थ्री ट्वेंटी फोर निकला तो हमारा D क्या आ जाएगा अठारह जो कि है पॉजिटिव नंबर तो हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू आती है रूट्स होते हैं x की वैल्यू वैल्यू ऑफ x अब हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं दो तरीके माइनस बी प्लस रूट डी अपॉइंट टू ए और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉइंट टू ए ये वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर आ जाएगा छ और माइनस बारह अब किसी की एज माइनस में हो सकती है आपकी हो सकती हो मुझे नहीं पता मेरी तो नहीं हो सकती उसी तरीके से आप इसको इग्नोर कर देंगे तो मैथ के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है दिमाग घर नहीं छोड़ के आना लगाना है सॉल्व तो कर दिया अब अंत में उसको स्टेटमेंट में बताना भी तो पड़ेगा अब कुछ बच्चे होते हैं एज इज माइनस ट्वेल्व भैया एज माइनस ट्वेल्व कैसे हो सकती है मैथ ने उसको माइनस ट्वेल्व नंबर दे दिया लेकिन आपके दिमाग ने उसको मना करना है तो हम लिखेंगे एज 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 कैन नॉट बी नेगेटिव मोनिका प्रेजेंट इज उसकी x की वैल्यू क्या थी तो रुचि की एज कितनी हो गई इससे दो गुना मतलब बारह तो यहाँ पर आपका आंसर ये खत्म हो जाता है मैथ का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें बाकी चलते हैं अगली वर्कशीट की तरफ जो कि है साइंस की तो हमारी जो आज की साइंस की टेंथ क्लास की जो वर्कशीट है जो कि सेवेंथ ऑफ अगस्त की है उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक और जो कि हमारा होगा सॉल्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल पिछले कुछ वीडियोस में हमने सॉल्ट का नेचर देखा था सॉल्ट एसिडिक हो सकता है बेसिक हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है और हमने पिछली वीडियो में कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ा भी था तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है पीओपी बहुत ही फेमस है पीओपी हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम बोलते हैं ये इसका फॉर्मूला है सी एसओ फोर हाफ एच टू सी एज कैल्शियम एसओ सल्फर सल्फेट एसओ फोर इज सल्फेट कैल्शियम सल्फेट और ये क्या है वाटर वाटर हो जाता है हाइड्रेट लेकिन यहाँ पे क्या half. Half है हाफ हाफ का मतलब होता है सेमी मतलब हेमी हेमी हाइड्रेट उम्मीद करता हूं नाम से फॉर्मूला समझ में आया होगा फॉर्मूले से नाम समझ में आया होगा कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है इट इज ऑप्टेन बाय हीटिंग जिप्सम इसका जो रॉ मटेरियल है वो जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला हो गया सी एसओ फोर टू एच टू और इसको हीट करा जाता है थ्री सेवेंटी थ्री हीट पे

तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखे हैं आपको पता भी है प्लास्टर ऑफ़ कलर हीट करने से हमने उसको वाटर मॉलिक्यूल कम करे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया अगर हम वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो वापस वह जिप्सम बन जाता है एंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको हम देख लेते हैं इसका जो फॉर्मूला है आ, CSO4, आ, H2O H2O. देखो वाटर भी कितना डाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं जितने में वो टू बन जाए आधा इधर वॉल मॉलिक्यूल मौ, था वन एंड हाफ हमने डाला तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल बन गया तो वापस इन्होंने जिप्सम के फॉर्मूले पे ले गए आगे देख लेते हैं इसके कुछ यूजेस

तो बहुत सारे इसके और साथ में आपने फॉल्स सीलिंग के बारे में भी देखा होगा फॉल्स सीलिंग हो गया वो लाइटिंग के लिए काफी अच्छा ये यूज होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई तो दे अपियर ड्राई मतलब वो दिखते तो ड्राई हैं बट मेनी सॉल्ट कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल उनके अंदर वाटर होता है वाटर मॉलिक्यूल होता है द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल था तो इस वाटर को ये फॉर्मुले में जो एक एग्जैक्ट नंबर है यहाँ पे जैसे टू हो गया तो जो एग्जैक्ट नंबर है उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट हाइड्रेट आपको ही बोला जाता है बीहाइड्रेटेड मतलब पानी पिए तो जिस सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है उस सॉल्ट को कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का रंग जो है ब्लू होता है क्वेश्चन कई बार आता है वाई कॉपर सल्फेट अपियर्स ब्लू बिकॉज इट कंटेन्स फाइव मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मुला आप देखेंगे बहुत ही आसान है कॉपर सल्फेट सी यू फोर फाइव एच टू ओ फाइव एच टू ओ का मतलब हो गया ये पांच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो जिस वजह से उसका रंग क्या होता है ब्लू होता है यही इसका आंसर है अब जब कॉपर सल्फेट को हीट करा जाता है तो उसमें से पानी का जो है मॉइस्चर खत्म होने लग जाता है तो ऑब्वियसली उसका ब्लू कलर भी खत्म होने लग जाता है तो वो कौन से कलर का बन जाता है वाइट कलर का तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है हाउ कैन वी कन्वर्ट कॉपर सल्फेट ब्लू टू व्हाइट तो हम हीट करके उसका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हम इवेपोरेट करा सकते हैं ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई सी यू एस ओ फोर फाइव एस टू ओ प्लस वन एंड हाफ एस टू ओ मतलब कुछ वाटर तो डालेंगे ना हम अगर खाना भी बनाते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि उसके अंदर वो टच ना करे सरफेस से तो थोड़ा सा पानी डाल के हीट करके आप उसको सी यू फोर आप सिर्फ रह जाएगा मतलब सिर्फ व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट रह जाएगा but when water is added to anhydrous copper anhydrous का मतलब होगा इसके अंदर पानी नहीं है sulfate और it exposed to moisture it turns blue मतलब ये खुद ही मॉइस्चर से भी मतलब हवा से भी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और वापस ब्लू कलर का बन सकता है अब नीचे एक टेबल दे रखा है वो देख लेते हैं उनका कलर क्या है कॉपर सल्फेट ब्लू होता है सामने फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं फिर फेरस सल्फेट uh, आपका ग्रीन कलर का होता है एफ एस ओ फोर सेवन एस टू इसमें सेवन मॉलिक्यूल होते हैं है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इसके अंदर टेन मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जिप्सम हो गया वाइट कलर का इसमें टू है तो ये आपको टेबल दे रखा है जिसके अंदर उनका केमिकल फॉर्मूला भी दे रखा है उससे पता चल रहा है कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है आइए चलते हैं इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फुल फॉर्म ऑफ पीओपी पता है बट मैं इनके आंसर जो है आपको डिस्प्ले अभी कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से रीड करके समझ सके और इसके बाद कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें और वीडियो फिर दोबारा अभी आप देख सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट जो कि है हिंदी की आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आप इनको आराम से रीड कर सके हेलो स्टूडेंट्स आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर पंद्रह तो इस वर्कशीट में लिखा है रचनात्मक लेखन के पिछले कार्यपत्रक में आपने चित्रों की श्रृंखला पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास किया था तो ये जो सीरीज ऑफ़ वर्कशीट्स है आपकी ये रचनात्मक लेखन पर है क्रिएटिव राइटिंग पर है तो पिछली वर्कशीट में अगर आपको याद हो तो एक चित्रों की श्रृंखला थी एक पिक्चर सीरीज थी जिस पर बेस्ड आपने एक छोटी सी कहानी लिखने की कोशिश की थी तो आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने से पहले विचारों का एक क्रम बनाना पड़ता है तो जब आप कुछ कहने वाले हों तो पहले ऐसा नहीं है कि बस आप कह दें बल्कि आपको उन विचारों को एक सीरीज में लिखना पड़ता है फिर उसे कहने अथवा लिखने के लिए उपयुक्त शब्दों को चुनकर उनका सार्थक वाक्य बनाया जाता है तो अगेन ऐसा नहीं है कि आपने बस कोई बात कह दी और या लिख दी और उसको सीरीज में लिख दी और कोई भी शब्द यूज करके आपने वो बात कह दी ऐसा नहीं है आप बहुत सोच समझ कर शब्द शब्दों का चुनाव करते हैं और उसके बाद ही बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस आप बनाते हैं आप सार्थक वाक्य बनाते हैं और फिर उन वाक्यों को भी एक क्रम से कहा या लिखा जाता है अगेन ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली इधर उधर कुछ भी कह देंगे बल्कि आप उस तरीके से लिखेंगे कि आपका जो विषय वस्तु है आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो मेन आइडिया है आप उससे इधर उधर ना भटके तो अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग भी इसी प्रकार की विधा है इसी प्रकार की एक टाइप ऑफ राइटिंग है अनुच्छेद में स्वयं आपके विचार होते हैं लेकिन आप उन्हें और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरों उदाहरणों और किनी प्रसिद्ध कथनों को शामिल कर सकते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग में आपके खुद के विचार होते हैं लेकिन अगर आप उन्हें और था था क्लियरली अपने विचारों को लिखना चाहें तो आप कोई एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं या आप उसमें प्रसिद्ध कथनों कत्त को शामिल कर सकते हैं कोई फेमस सेईंग्स हैं तो वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं तो इस वर्कशीट में भी आपके आपका जो कार्यपत्रक है ये उसमें भी आप पैराग्राफ राइटिंग अनुच्छेद लेखन का प्रयास करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो आपको यहाँ पर 80 से 100 सौ शब्दों में अनुच्छेद लिखने का प्रयास करना है और वो आप किस पर लिखेंगे आप लिखेंगे मैं भी कोरोना योद्धा इस टॉपिक पर आप यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे तो आइए सैम्पल के तौर पर जो हमने एक अनुच्छेद लिखा है वो देख लेते हैं और अगर आप चाहें तो इससे आइडिया लेकर आप बिल्कुल अपना अनुच्छेद अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कोशिश कीजिएगा वो अस्सी से सौ शब्दों के बीच में ही हो तो आइए ये सैंपल देख लेते हैं तो सैंपल के तौर पर हमने आपके लिए जो अनुच्छेद लिखा है वो इस तरह से है वर्तमान महामारी की स्थिति में डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामुदायिक कार्यकर्ता कोविड 19 के खिलाफ लड़ने वाले असली योद्धा के रूप में सामने आए हैं किसी ने ठीक ही कहा है जान है तो जहान है इसीलिए हालांकि मैं एक डॉक्टर होने के लिए बहुत छोटा हूं, फिर भी मैंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने की पूरी कोशिश की है मैं ऐसा जितना संभव है उतना घर के अंदर रहकर कर रहा हूँ मैं केवल घर पर बना हुआ भोजन खाता हूँ मैं खेलने के लिए बाहर नहीं जाता केवल अपने परिवार के साथ घर पर खेलता हूँ और समय पर विद्यालय का काम पूरा करता हूँ हम बाहर केवल आवश्यक चीजों की खरीदारी करने जाते हैं अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं एक अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क और हाथ के दस्ताने पहनता हूँ और सामाजिक दूरी बनाए रखता हूँ अगर मैं बाहर की अन्य चीजों को छूता हूँ तो मैं अपना चेहरा नहीं छूता और नियमित रूप से हाथ धोता हूँ लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए मुझे लगता है कि मैं भी एक कोरोना योद्धा बन सकता हूँ तो इस सैंपल को देखते हुए आप अपना पैराग्राफ अपना अनुच्छेद भी लिख सकते हैं ये अनुच्छेद लिखने के बाद अब आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ तो आपका अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ये जो अनुच्छेद आपने लिखा है उसमें से आपने जिन शब्दों को प्रयोग किया है उन शब्दों में से अपनी पसंद के दस शब्दों को आप छांटिए और उनका अर्थ लिखकर उनसे नए वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए तो जो यहाँ पर अनुच्छेद हमने आपको सैंपल में दिखाया था इन्हीं में से इसी पैसेज में से हमने दस शब्दों को छाटा है और उनके अर्थ भी लिखे हैं और उनके अर्थ के बाद उन अर्थ उन, अर्थ, उन आ, शब्दों से नए वाक्य भी बनाए हैं अगर आप चाहें तो आप अपने दस शब्द चुनकर नए वाक्य बना सकते हैं और उनके अर्थ भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इन्हीं शब्दों को इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द उठाकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए अब आपको वो सैंपल भी दिखा देते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको कोई भी वर्कशीट अगर अपलोड होती है तो इमीडिएट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक यू